बछड़े के बोल सुन के, अरे गऊ बोली जकरा के, मेरे पेट के रोन लगा दिल में दे सत खाते, बछड़े के बोल सुन के मेरे खेत को रोन लगा जिन बोल गया तू नारद में आते भोल सुन के बोल जकरा के गुरान लगा दिल में माता उस किसान से क्या कहती है इस भजन द्वारा इस कली में सुने में नहीं आ रहा मेरी में क्या बात है, तो
तो बजरा किस तरीके से माता से अपने सवाल करता है और क्या बताता है। वो यहाँ कोई नहीं हमारा, आठों का ढेर लग रहा, यहाँ खाजा भी लग रहा, हम कहाँ पर आते इन नाग टूटे वालों ने, हम कहाँ था टूटा के बदले के बोल तुमने फिलहाल तो यहाँ नहीं है, वो चले गए हैं। मेरे भाई आप जानते हो खल चूरी की दुकान करते हैं कपिल त्यागी जी, 500 रुपए हमारी टीम को देते हैं, हमारे मंडल को देते हैं। इस भजन पे खुश होकर के 500 रुपए में चेत ताली बजाइए। 500 रुपए आपके पीछे महाराणा बिहार में कंची जी ठाकुर जी 500 रुपए वो भी इस भजन पर खुश होकर के देते हैं, उस उनके लिए भी ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। 500 रुपए आपके भाई यही पास में चाल खोल रखी है देवेंद्र चौधरी, इस भजन पर खुश होकर के उनके लिए भी ताली बजाइए, हमारी पार्टी को देते हैं। 500 रुपए धर्मेंद्र त्यागी जी जो डेयरी वाले हैं, यही पास में डेयरी है उनकी, 500 रुपए वो भी देते हैं, इसी वजह से खुश हो गए, उनके लिए भी ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताया बोला? हाँ एक मिनट, 500 रुपए इनके तो साथ ज्यादा हो गए, मैं तो देख रहा हूँ इनके तो 500 से भी ज्यादा हो गए, लेकिन मेरे को याद नहीं है कितने दिए। मेरे भाई ये गार्ड साहब है, यही पे ड्यूटी करते हैं कहीं, मैं बड़ी इनकी हिम्मत समझता हूँ, बहुत खुशी है इनको और मुझे इनसे ज्यादा खुशी है। 500 रुपए से ज्यादा यानी कि 551 रुपए ये भी खुश होकर के देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए। देखिए इस गौ माता का आखिरी समय आ चुका है। वो गौ माता कहती है कि बेटे मुझे बुढ़ापा आ गया और तेरी जवान अवस्था है, तू तो अपने धूप पीता है। माताएं कहती हैं कि जिस समय के लिए औलाद को पाला जाता है वो समय आज आ गया। अगर बहन जी आपका लड़का कभी लड़िया हुआ पिटिया हुआ तो आप क्या कहेंगी ये बताइए जरा। नहीं ऐसा नहीं, अगर आपका बच्चा घर से बाहर जाकर के पिटिया हुआ पिट जा किसी लड़के से, समझ लो मेरी बात, तो जब वो घर आएगा मम्मी मैं फलाने ने मारा था, आप क्या कहेंगी? चुप बैठ जा बेटा। नहीं ऐसे नहीं कह सकती, मैं भी नहीं कह सकता अपने बेटे के लिए। इसलिए दूध नहीं पिलाया, दूध पिलाया मेरा दूध मत ले जा, जब बेटे ठोक का हम देख लेंगे। तो वो माता उस
बछड़े से कहती है कि बेटे मैंने आज के लिए दूध पिलाया था, तू तो अपनी जान बचा जा, मैं तो मारी जाऊंगी। और ना बचाई जा तोड़ दे रस्सी को और मेरे छाती से लग जा, प्यार कर ले। किस तरीके से बताती है, क्या बताया? जरा मेरी माता बहनों ध्यान से सुनिए, वो बछड़ा रस्सा तोड़ देता है और माता के पास आ जाता है। और वो आप भी जानते होंगे, मेरे भाई भी जानते होंगे किस तरीके से प्यार करता है और माँ किस तरीके से अपने बच्चे को पुचकारती है और कैसे गले से लगाती है। अंतिम समय आ जाता है जब बछड़ा और गाय दोनों आपस में प्यार कर रहे थे, तो उधर कसाई का, जैसे मेरे बड़े भाई राम बाबू जी बैठे हुए हैं, कब ये जागरण खत्म करें और कब मैं दूध काटू, कसाई का छुरा बनाना था और रस्सा अपने पास में रखा था, वहां से रस्सा और छुरा लेकर के भागता है। आगे का वर्णन कवि ने क्या करा बोला, I'm gonna make it right.